बाकी सब में लागू नहीं होता है, हर एक चीज में कुछ कुछ चीज होता है ना एक्सेप्शन होता है। जैसे मान लो कि सब सोडियम है, मान लो धातु है कि अधातु ही जानना चाहते हैं, और धातु है कि अधातु है तो देखो सबसे बढ़िया चीज बता देते तू। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आप लोग को, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आता है। पहले कक्षा में दो जाएगा, दूसरा में आठ होगा, तीसरा में एक हो जाएगा, दो आठ हो गया। इसी तरह और मान लो, जैसे मान लो कि यहाँ पे सब कार्बन लेते हैं, कार्बन कितना होता है छ होगा, कितना होगा दो और फिर कितना होगा चार, दो छ। अब ध्यान से देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो सपोर्टेड क्लोरीन लेते हैं, एक दो है, 17 पर होता है ये तो याद है ना जी, यही आ गया है सविता। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कीजिएगा ना, तो दो आठ कितना होगा सात, बोलो वो हमारे तीन एग्जाम्पल से काम हो जाएगा। जिसके आउटर सेल में समझ गया ना, एक का दुआ तिया बच जाए, तिया तक बस, ठीक है, वो धातु होता है धातु। जितना धातु के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे लास्ट में एक दो तीन बचेगा, एक दो तीन चार बचता है, चार को नहीं रखा जाता है, एक दो तीन रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास डोनेट करने की क्षमता होता है इलेक्ट्रॉन को, समझ गया ना, उसी को वैलेंसी कहते हैं, समझ गया। जैसे मान लो हम कह रहे जिसके पास डोनेट करने की क्षमता होता है, कितना कुछ मतलब कि डोनेट कर देगा, मतलब दान दे देगा, दाता कहा जाता है हिंदी में, उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी अलग अलग बात होता है। सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिखे समझ में लो, सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ गया, समझ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंडीशन के हिसाब से वैलेंसी कहलाता है। क्या बोले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंडीशन के हिसाब से क्या बताता है? वैलेंसी कहलाता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दो तीन रह जाए, ठीक है, तो वो हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी। पहले हम लोग देखेंगे आउटर सेल में कितना है। सबसे पहले आउटर सेल क्यों ले जाता है, क्योंकि NS सब ऑक्टेट पूरा करते, डुप्लेट पूरा करते जाता है आगे, आउटर सेल खाली रहता है। तो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, बोले संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है हिंदी में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते रहे, सीधा बैठने रहे, कपाट पर हाथ रखी है, क्या बोले वह, सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमको पहले बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, तीन को एग्जांपल दिए। सबसे बाहरी सेल में थे डुप्लेट पूरा, डुप्लेट पूरा, डुप्लेट पूरा, डुप्लेट पूरा, मतलब डुप्लेट पर भी समझ गया ना वही नेचर होता है जो इनर्ट गैस का नेचर होता है, ऑक्टेट पर भी वही नेचर होता है जो इनर्ट गैस का होता है, समझ गया ना। तो जितना ही कंप्लीट आता है 2n² के फॉर्मूला में वो सब पर अपडेट हो जाता है, वो सब का नेचर हेकला जैसा हो जाता है। अब खाली बच्चा समझता है आठ गो होना चाहिए, आठ गो होना चाहिए, नहीं दो भी हो, समझ गया, कंडीशन के हिसाब से, सॉरी एथी के हिसाब से कहा जाता है, मतलब सेल के हिसाब से। डुप्लेट कोई डुप्लेट दो दो पर भी डुप्लेट पूरा कर लेते हैं, कोई आठ पर डुप्लेट पूरा करते हैं कक्षा के हिसाब से, कोई 18 पर करता है, कोई 32 पर करता है, कोई 50 कितना होता है 52 होता है ना, 52 पे करता है, यहाँ भरते चल जाओ ना अपने जगह, पांच बड़े 50 25 25 25 दूना 50 50 पर पड़ता है, समझ में आ गया। इस सब पर नेचर इनर्ट गैस की तरह होता है, कैसे होता है, ठीक है, यहां तक पहुंच भी नहीं कीजिएगा, यही तक में सब कहानी हो जाता है खत्म। तो ज्यादा ऑक्टेट तक ही काम हो जाता है, आठ को ऑक्टेट जानते हैं, दो को डुप्लेट करते हैं। सबसे बाहरी सेल, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता कहलाता है, क्या बोले, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता कहलाता है हिंदी के हिसाब से। इंग्लिश के हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी कहलाता है। दोनों में अंतर है, बारीक अंतर है, दोनों एक ही समझते हैं। संयोजकता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाला जितना कंपाउंड बनाना है खासकर एनी कंपाउंड इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैलेंसी 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 याद करते होंगे आप लोग, छोड़ो ना, इसको बोलते हैं संयोग, क्या बोले, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बोलवा, ये दोनों में अंतर है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, नहीं तो आएंगे फिर थप्पड़ देंगे, थप्पड़ आने से जल्दी याद हो जाता है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। अब समझ में आ गया, वो एक हो चाहे दो हो चाहे पांच हो चाहे सात हो, समझ में आ गया।
सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयुग्मी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, हो गया। संयोजकता क्या होता है, तो इस सबसे बाहरी कक्षा में समझ गया ना, एक दो तीन जो बच जाता है वही संयोजकता कहलाता है। तो एक दो तीन संयुग्मी इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कबले एक दो तीन बच जाए तो वही संयुग्मी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बन जाता है। बोलेंगे सर पांच छह सात बजेगा तक आओगा, तो पांच छह सात संयोजकता नहीं कहलाएगा। पहले संयुग्मी इलेक्ट्रॉन देखो हमें कितना है, एक गो, हमें कितना है चार गो, हमें कितना है सात गो। संयुग्मी इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, अरे लिखे समझ में आ गया, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा ठीक है, संयुग्मी इलेक्ट्रॉन एक गो, संयुग्मी इलेक्ट्रॉन अब समझ में आ गया। एक दो तीन इस संयुग्मी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में हो है ना, एक दो तीन को संयुग्मी इलेक्ट्रॉन कहो चाहे संयोजकता कहो, दोनों सेम पर। तो देखो हाई क्या है, संयुग्मी इलेक्ट्रॉन बाटी संयोजकता कितना है इसका एक, ये दोनों सेम आ गया कि नहीं। बात भाई सुन लो ध्यान से, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का स्पेशल नाम है संयुग्मी इलेक्ट्रॉन। संयुग्मी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता कब कहलाता है, जब बाहरी कक्षा में एक दो तीन बच जाए। क्या बोले ध्यान से सुनो, बाहरी कक्षा में एक दो तीन बच जाता है वही संयुग्मी इलेक्ट्रॉन क्या बन जाता है, ऑप्शन में आ गया। तो बताओ संयुग्मी इलेक्ट्रॉन एक, संयुग्मी इलेक्ट्रॉन चार, संयुग्मी इलेक्ट्रॉन सात, कोई दिक्कत। संयोजकता अब बताए, संयोजकता एक, संयोजकता संयोजकता गलत, संयोजकता तीन से ज्यादा नहीं होता है, समझ में। संयुग्मी इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में, समझ गए, चार कह सकते हैं ठीक है, बाकी हेकरा स्पेशल लीजिएगा कि चार डोनेट नहीं करता है, इसीलिए तीन तक लिया जाता है, समझ गया। चार शेयरिंग करने लगता है इसीलिए बॉन्ड का टाइप बदल जाता है, समझ गया। जो भी कंपाउंड आपके यहाँ बना हुआ है, जैसे नमक हो गया, तो नमक कैसे बना हुआ है, नमक बना हुआ है डोनेशन से, और फिर क्या बोलो ना, गेन से, गेन और लूज करता है उसके हिसाब से नमक बना। तो इसी यही बात हम समझा रहे हैं, और क्या समझा रहे हैं उसी बात को पहले देख लो बोर्ड पर। बाहरी कक्षा वाला क्या कहलाता है, संयुग्मी इलेक्ट्रॉन, हो गया। संयोजकता हमेशा एक दो तीन रहेगा, एक दो तीन से ज्यादा नहीं रहेगा, इतना समझ में आ गया। तो बाहरी कक्षा में एक बच गया वही संयुग्मी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बन जाएगा, और समझ में आया, बाहरी कक्षा में एक बच गया वही संयुग्मी इलेक्ट्रॉन का बन जाएगा। अब आपसे बोलेंगे सोडियम की संयोजकता कितना होता है, बोले सोडियम की संयुग्मी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अब भैया यहीं आ जाओ, क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, संयोजकता अभी तक फिर नहीं पता है, बाकी संयुग्मी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हम बोले संयोजकता कितना होगा, एक दो तीन होगा, एक दो तीन लाने के लिए आठ में से घटा दिया जाता है, तो हमें से आउटर सेल कितना है सात, वो सात में आठ में से सात घटाएंगे कितना आएगा। अब बोलो क्लोरीन के संयोजकता कितना होगा, अब समझ में आ गया, जो भी संयोजकता निकालना है, अब बाहरी में पांच छह सात बच गया है तो आठ में से घटा देंगे, क्या बोले हैं, आठ पर दो ऑक्टेट पूरा होता है तो कितना कम होगा वो संयोजकता बन जाता है। तो क्लोरीन के संयोजकता कितना हो गया, बाकी सोडियम के संयोजकता कितना हुआ एक, और जिसकी संयोजकता सेम सेम होता है वो आयनिक कंपाउंड बनाता है, उसमें रिलेशन बनता है जिससे नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब इसीलिए सोडियम और क्लोरीन का ऑलरेडी क्या होगा बताओ ना, इसकी एक एक्स्ट्रा ज्यादा है, समझ में, इसमें एक एक्स्ट्रा ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर ये नहीं रहता तो ऑक्टेट पूरा कर लेता आठ पर, मान लो ही नहीं है तो आठ ऑक्टेट पूरा कर लेता। तो जब तक इस साथ लेके घूमेगा तब तक हाई से लिखाएगा एंड में, अब समझ में आ गया, जब तक हाई साथ हाई से लिखाएगा, हाई लेके चलेगा सात गो ठीक है ना। अब हाई इसके पास एक गो वजह से हाई गुण नहीं आ रहा है, एक पास एक गो कमी से हाई गुण नहीं आ रहा है, हर एक तत्व कैसे बनना चाहता है अस्थाई। आप भी क्या है अस्थाई है, आपको भी चाहिए जॉब, चाहिए जॉब क्या है अस्थाई, समझ गए। तो कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट गलती होगा आपका, या तो फिजिक्स कमजोर होगा, मैथ कमजोर होगा, तो एक एग्जांपल बता रहे, वैसे ही देखिए सोडियम एक ज्यादा है ना, फिर ये हटाना प्रयास करेगा, कौन ले लेगा हमारा एगो, हम भी एकदम अस्थायी हो जाएंगे, ऐसे समझ में लगा। अच्छा ऐसे समझो, आई एम मान रहे कि तुम्हारे पापा है ठीक है, लड़का के पापा है, ये लड़की के पापा है, अब समझ में आया, लड़का लड़की के पापा का नाम ये जल्दी समझते हम, जानते हैं ना, हो गया एक बचवा ही बचिया, बचवा तैयार हो गया एकदम, समझ गए, अच्छा छीटने के लिए, आप समझ में आया, आई देखो है बचिया भी से तैयार हो गया अच्छा छीटने के लिए, आप समझ में आ गया। पापा के पास प्रेशर बनेगा ऑटोमेटिक,
थोड़ा सा थोड़े को है कि प्रेशर बनता, दोनों के पास प्रेशर बनेगा। और समझ में आया कैसे प्रेशर बनेगा? अब संजक्ता मिलेगा गुण। ऐसे तो नहीं कौन सा शादी कर ले, हिसाब से तो गाय भैंस से भी शादी किया जा सकता था। अरे समझ में हुआ तो मैं क्या है? अरे संजक्ता मतलब समझ रहा है, लेवल मिलाता है। तो है लड़का मान लो, है लड़की है तो लेवल मिलाएगा। है कितना पढ़ल बा, है कितना पढ़ल बा, है कितना मतलब समझ रहा है का रंग रूप हाइट वाइट नहीं समझ में। तो इस संजक्ता मतलब समझ में, जब सेम सेम लगभग गुण मिल जाएगा आजू बाजू, रिलेशन स्थापित, नया बॉन्ड बन जाएगा। अब समझ में आया? अब मंगला तुल भोज मिल जाएगा। समझ में क्या क्या बोल रहा है बुआ? अब का मेरा संजक्ता मिलाएगा? ओ हो हाँ, पढ़ ले पहले अध्याय सुनो। ये रे हाँ ध्यान सुनो क्या बोल रहे। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो इतना जल्दी नहीं, ये लड़का है मान लो, ये लड़का है इतना जल्दी थोड़ा है कि कोनो से शादी कर लेगा। अच्छा लड़की इतना जल्दी कोनो के यहाँ शादी कर लेगा? ये भी सर्चिंग करेगा, ये भी सर्चिंग करेगा। सेम कंडीशन यहाँ हो रहा है तो में भी सर्चिंग करते करते जैसे सोजकता मैच कर जाएगा, ठीक है ना, तो नया कंपाउंड बना देगा। और जैसे कंपाउंड बना देगा, शादी विवाह दोनों करवा देगा। देखिए हैकर बाबूजी अब ऐसे घूमेगा, ये नहीं घूम रहा था, ये मान लो बाबूजी है तो इन्हें ऐसे चल रहा था जब तक शादी नहीं हुआ था। नहीं शादी कर लेगा तो ये ऐसे घूमेगा, हमारा टेंशन को तो नहीं समझ पा रहा है। हैकरो हैकरो बाबूजी देखिए अल्लाह कहेगा घूमेगा सीएल माइनस करके दान कर देने ले, बाकी बॉन्ड बनता है। जानते का बॉन्ड सुन ले पहले, बॉन्ड ये बनता है कि यहाँ शर्त एंड कंडीशन होता है कि तुमको तो हम दे रहे हैं, बाकी दोबारा कहेगा कि वापस लीजिए तो भूल जाना। हयू कहता है हम तो रिसीव कर रहे हैं, बाकी दोबारा कहिए कि हमको वापस दीजिए। नहीं समझ पा रहा है? आयनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन लूज करके गेन करके बनता है, दोबारा नया वापस नहीं आता अपने वाला फॉर्म में। इसीलिए जब भी डोनेट करने के बाद ये प्लस लेके घूमता है, जो देने वाला प्लस हुआ और लेने वाला माइनस होता है। अब जैसे ही लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन परमानेंट लूज कर देता है। यही वजह है कि आयनिक बॉन्ड बनता है, जैसे नमक बन गया NaCl। अब ये नया दोनों कंपाउंड बना दिया NaCl, दोनों मिलने से मतलब नया फैमिली का निर्माण, वैसे समझो पहले सिंगल सिंगल था, अब यहां से देखो इसका भी फैमिली है, वैसे घूमेगा। कैसे घूमेगा? 2 8 2 8 जहां लिखा है क्या होगा? प्लस लेके घूमेगा। यहाँ लिखेगा ये कैसे घूमेगा बोल रहे हैं? 2 8 8 लेके घूमेगा, क्या लेके घूमेगा? 2 8 8 सात नहीं 8 बन जाएगा, बोलेंगे 17 को होता है तो 18 कैसे हो गया यहाँ पे? तो यहाँ एगो माइया माथा पर माइनस लेके घूमेगा। पहले पूरा सुन लो कन्हैया, अगर मान लो कि किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 डोनेट करने की क्षमता होगा। तो यहाँ मान लो कि यहाँ पे 2 बच गया इलेक्ट्रॉन, तो जो को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा देने वाला प्लस हमेशा, समझ रहे हैं, और लेने वाला हमेशा माइनस होता है। अगर मान लो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो अगर ये दे देता, जैसे एल्युमिनियम का 3 होता है आउटर सेल में, तो ऐसे लिखेगा प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब वह 3 इलेक्ट्रॉन दिया है कोनो पे, तब ऑलरेडी इस रूप में घूम रहा है ये वाला गुण का। या इसी को लिखते हैं Al3+, कभी कभी किताब में मिला होगा इस तरह का। और जो लेगा ना तो मान लो कोई लेने वाला होगा, मान लो x लेने वाला है तो यह 3 माइनस कर देगा, ठीक है ना। मान लो y लिया है 2 को तो 2 माइनस कर लेगा, तो देने वाला क्या हुआ प्लस, लेने वाला क्या हुआ? अब समझ में आया क्या? नया कमांड समझ में आया? तो जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करके और गेन करके, समझ गया ना, बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड होता है, कभी नहीं टूटने वाला होता है। हम इसीलिए इसे एग्जाम्पल दिए है, दोबारा देखिए ना, आपका लड़की खचड़ाई कर रहे हैं, आपने रख लीजिए, रे पहले ही बॉन्ड बनाए थे, बायोडाटा दिए थे, इसीलिए सोच समझ के लब लो कर लो लोग ये वापस नहीं होगा, समान नहीं है कि जाके वापस करके आएगा। आयनिक बॉन्ड बन जाएगा आपके बीच भी, अरे समझ में आएगा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड जैसे ही बन जाएगा भाई मेरे, तो न्यू कंपाउंड का निर्माण होता है। न्यू कंपाउंड जो होता है वो पहले वाला गुण को पूरा खो देगा।
यानी सोडियम का जो पहले गुण था ना, सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन का गुण पहले का पूरा खो जाएगा, सब भुला जाएगा, नया गुण आ जाएगा। क्लोरीन का जो गुण था ना पहले का, इसके साथ ये भी अपना पहले का गुण खो देगा, नया गुण स्थापित कर लेगा, नया गुण बन जाएगा NaCl नमक। अब नमक का गुण बिल्कुल सोडियम जैसा नहीं होगा, नमक का गुण बिल्कुल क्लोरीन जैसा नहीं होगा, ये दोनों से नया बनेगा जिसका आप अब इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ नमक अस्थाई हुआ कि नहीं? बोले ए नमक तो अपन सोडियम चल जाओ में से चल जाएगा। कह रहे जरा समझ रही है का, उतना भी नहीं समझना था। अब है ये आयनिक कंपाउंड मजबूत हो गया, आयनिक कंपाउंड का गुण कौन सो गए? अरे सुने ये रे, पुणे की हमेशा कुछ ना कुछ दर्दे करते रहता है, खाना खाई वसन नहीं लेने, आधा में आधा खाई वसन। सर दर्द कर रहा है, अब हम कभी कभी लगता है ना कि हम स्पीकर है, आया जोर दिया तार हम बज रहे हैं, अब आराम से सुन रहा है। अरे इतना बढ़िया चीज समझा रहा है, उसूत करी हो एकदम, पंखा बंद कर दे, उतना जितना आराम दीजिएगा बोटी का ना उतना ही बेस्ट मांगता है। अब देखिए आयनिक बॉन्ड वाला कहानी खत्म, वैलेंसी समझ में आ गया, इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी 1, 2, 3 होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा। अगर लास्ट में 5, 6, 7 आ रहा है तो 8 में से घटाकर वैलेंसी निकाली जाती है। अब समझ आ गया, वैलेंसी समझ में आ गया, और फिर क्या समझ गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया है ना बुआ, इसके अलावा आयनिक कंपाउंड समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन के दान करने से या लेने से जिसको हम लोग बोलते हैं दाता, और फिर ग्रहण करना ग्राही, दो वर्ड आएगा इसमें, एक्सेप्टर कहा जाता है और एक होता है दाने वाला को डोनर कहा जाता है। तो डोनर कौन है बताओ? देने वाला डोनर, हमेशा देने वाला प्लस होता है कुछ भी कीजिए, लेने वाला माइनस होता है। तो देखो भाई डोनर कहलाएगा, सोडियम क्या कहलाएगा? डोनर, देने दाता, दाता को हिंदी में भाई क्या कहलाएगा? रिसीव किया है एक्सेप्टर, एक्सेप्ट मतलब रिसीव किया, इसको ग्राही कहते, समझ में आ गया। जब भी इलेक्ट्रॉन का दान करने से नहीं, उसको लूज कहिए गेन कहिए, तो देने वाला लूज करने वाला प्लस होता है और लेने वाला गेन करने वाला माइनस होता है। अभी नहीं समझिए ले रहा है तो प्लस होगा, नहीं सिस्टम समझो, इंग्लिश वर्ड है लूज, लूज का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा था दिया, तो जो दिया वो प्लस होगा, तो जहां लूज करेगा इलेक्ट्रॉन वो प्लस लेकर आएगा, सोडियम प्लस लेके जाएगा माथा पर, काहे दान दिया है, जो गेन करेगा वो माइनस लेकर आएगा, काहे किसी से लिया है। तो गेन वर्ड देख मत बोलना कि बहुत ढेर हो जा रहा है पैसा लेखा, वो पैसा कंडीशन नहीं है यहाँ पे। अब यहां से लूज और गेन से जो भी नया कंपाउंड बनता है, समझ गया ना, इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन से उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, क्या बोलते हैं? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में वापस तत्व में, सॉरी वापस इलेक्ट्रॉन अपने वाला गुण में नहीं आता है, सोडियम का गुण बिल्कुल बदल जाएगा, क्लोरीन का गुण बिल्कुल बदल जाएगा नया कंपाउंड बनने से, इसीलिए NaCl का गुण पहले वाला गुण से बिल्कुल अलग होगा। ये सब पढ़े होंगे आप लोग। अब बच गया बिछवनिया, ठीक है, कहानी खत्म हो गया, ये समझा दिया, हम ये पर चर्चा करेंगे आगे। भाई बच गया 4, वो ज्यादा चीज दान नहीं किया जा सकता है, 1, 2, 3 क्षमता है दान करने का, समझ गया ना। अब हुआ 4, 8 ऑक्टेट होता है, 4 हुआ तो 4 दान नहीं कर सकते, तो जब दान नहीं करते हैं तो वहां सहयोग होने लगता है। सहयोग मतलब कि हमको आवश्यकता पड़ेगा तू अपना यूज कर लेना इलेक्ट्रॉन ले लो, हम तुमको आवश्यकता पड़ेगा तो हमको दे देना, इसीलिए हम लोग आपस में सहयोग करने लगते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं, इससे जो कंपाउंड बनते हैं संयोजी बॉन्ड कहा जाता है, सह संयोजी बॉन्ड, नाम सुने होंगे, वर्ड मिलता जुलता है, कंसेप्ट भी वही है। आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया। अब हम कहां पड़े? संयोजी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है? आवश्यकता के हिसाब से, समझ गए ना, वो आपको कंपाउंड बनाने के लिए दे देगा, अब फिर आवश्यकता बनेगा तो ले लेगा, असल में इसीलिए सह संयोजी बॉन्ड बहुत ज्यादा बनता है संयोजन से, अस्थाई तो भाई नहीं,
क्षण भर में इसके पास जाएगा, उसका काम हो जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर अपने उसका काम होगा तो उसका ले लेगा। इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन भी बॉन्ड कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, और इससे इतना ना बॉन्ड बनता है तो इतना ना कंपाउंड बनता है कि कंपाउंड याद करते हालत बिगड़ जाता है। इसीलिए जितना सी एच से बॉन्ड बनता है उस सब सस्ते बॉन्ड है। सी एच से, सी मतलब कार्बन, एच मतलब हाइड्रोजन। स्पेशल चैप्टर पढ़ना रहता है हाइड्रोकार्बन का, नाम सुने होंगे, और हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, और इसका बहुत सारा समझ गया ना कंपाउंड बनता है। यही कारण है कि आप लोग 9th 10th क्लास में चर्चा करेंगे, 11th छोड़ो ना। आप लोग पढ़े होंगे, जानते हैं क्या एथेन, एथीन, एथाइन, अल्केल, अल्कीन, अल्काइन, याद आ रहा है? हाँ, तो वो सब, हाँ वो सब जो है ना हाइड्रोकार्बन है, सहसंयोजी बॉन्ड है। सहसंयोजी बॉन्ड कमजोर होता है इसकी तुलना में, क्योंकि परमानेंट बन गया ना भाई, तो आयु क्या हुआ, परमानेंट नहीं बनता। जैसे मान लो सी एच फोर हो गया, ये क्या हुआ, मीथेन हो गया। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो कितना होगा, कार्बन का आउटर सेल में कितना है, चार गो, एक का दो हुआ तो या चार गो, चार गो से ज्यादा नहीं। अब एक अगर कार्बन मिलेगा, हमको आठ गो चाहिए, क्या करे, हाइड्रोजन के पास जाएगा, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के एक ही गो रहता है, और चार गो हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन का चार गो से दस पकड़ लेगा, बोलेगा आओ रे आओ आओ नया कंपाउंड बना के मीथेन बनाते हैं, ये मीथेन हो गया, बन गया मेथेन। हाइड्रोजन का मान लो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट दे देते हैं या क्रॉस कर देते हैं, तब देखो दो चार छह हो गया ना जी, आठ हेने हाइड्रोजन, हेने हाइड्रोजन, कहता है कि जब हमारा से बनाएगा तो हम रहेंगे तुम्हारे साथ, होता है ना, जब हमारा सहयोग होगा तो हमारा भी नाम होगा। इसीलिए जब सूत्र में आएगा कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिलकर यहाँ बॉन्ड बन गया आठ गो, फिर सकता पड़ेगा तो ये हट भी सकता है, तो बड़ा बड़ा कंपाउंड बनेगा ना तो हेंगे गोल गोल बनता है। जैसे मान लो इसी बना देगा सी टू एच, दो चार छ कर दो, ये क्या है सी टू एच एट, एच नहीं, दो चार छ, सी टू एच सिक्स कह रहे, इथेन है, सी चाहिए मत कर सन, सी थ्री एच, तीन दो छ दो आठ का है, है मिथाइन, प्रोपेन, सी फोर एच टेन, ब्यूटेन, अरे याद लो वो दुगुना से दुगो ज्यादा, टेन टेन आता है, एक को क्या बोलते हैं मैथ, दो को एथ, तीन को प्रो, चार को ब्यूट, याद ना दस वो सब याद नहीं था जी, हाँ बोले सर तब क्या गए थे, और वो टपो ना ऐसा तभी का मालूम चलेगा बस। अब यहां से सुनो सी फोर एच छ, इसका नाम कोई बताएगा, सी फोर एच सिक्स, तो हम कहा कुछ बोले हैं आपको खड़ा होने के लिए, तो बोल रहे इसका नाम क्या है, कथी पता रहेगा, ये पजूर पता रहे, भाभी के देवर के देवर के भाई का नाम है, बैठ का पता है, नौवीं क्लास में पढ़ी, चार साल होने जा रहे, तीन साल भूल गई, एक वो आएगा ना कोनो आदमी घरे, वो सब याद रहेगा, चार को क्या बोलते हैं, वो ब्यूट बोलते हैं, कार्बन दुगुना से दो कम रहता है तो वाई एन लगता है लास्ट में, वाई एन ई, कार्बन के दुगुना रहता है तो ई एन ई लगता है, कार्बन के दुगुना से दो को ज्यादा रहता है तो ए ए नहीं लगता है। अब इसके हिसाब से बताओ चार कार्बन का नाम क्या है, ब्यू, आई लगा देंगे, देखो दो चार दो आठ, दो कम है तो ब्यूटाइन है, हाँ हम यहाँ करें मजा आता है, अगर इसे क्या कर रही थी, हाई काची है, हाँ खड़ा होने, हाँ इसका नाम बताओ, ये सब नवा दशा केमिस्ट्री होगा, है तूफानी, सुनते तो है नहीं, देखो एज के हिसाब से तेरी समझ रहे ना, हाँ बोलो बोल, प्रोपाइन तक लिखेंगे भाई, ठीक है, तीन को क्या बोलते हुआ,
प्रोप कहते हैं, प्रोपेन कहां से आएगा जी, तीन का नाम खाली प्रोप है, यहाँ दुगुना कार्बन है, दुगुना में ईएन लगता है, क्या होगा प्रोपीन होगा। अब देखो तीनों को साथ में बोल रहा है, ये क्या है, 1000। कभी कभी मन करता है कि हम कहा के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे। अब बताइए तीनों का नाम क्या है, का है तू स्पेशल वाले का, ये दोनों नाम का है, पहला को एलकेन, वो तो सूत्र बता रहा है एलकेन एलकेन एल्काइन का, उसी में तीन वो आता है, वो वही सूत्र है CnH2n+2 CnH2n, ये बोल रहे हैं इसी पर तभी उठाए हैं सूत्र वा है, क्या है केन वाला सूत्र है, एकीन वाला सूत्र है, एकाइन वाला सूत्र है, अब बताओ क्या है किसका सूत्र, अल्केन का है, एल्काइन भाई, एल्काइन कहां से, एल्कीन आई एल्काइन, अल्केन एल्कीन एल्काइन, हेक्रो दस को हेक्रो दस को हेक्रो दस को कौन फॉर्मूला 30 को क्या था उसी में से चुन चुन के बता रहे हैं, लाइन से याद कराया होगा लोग, हाँ तो बोलिए ना, प्रोपेन है हाई प्रोपेनाइल, नाइल में अल्कोहल आ जाएगा, अल्कोहल ग्रुप अलग होता है, कीटोन ग्रुप अलग होता है, एल्डिहाइड ग्रुप अलग होता है, इथर ग्रुप अलग होता है, जितना याद है ना सब बोल दो, बच्चा वही बोलता है ना जब मिलता जुलता होता है, जो याद होता तभी बोलेगा, सब बोलने नहीं आ रहा है, पान खाने आता है, ज्यादा खाना सीखो पहले, हाँ बैठ जाइए, अरे कोने में बैठे है, एक नाम का है और कुछ दो चार को बोल दो, एकदम सच हो गए प्रोपीन, बाद में सोचा नहीं ना करेगा, कंफर्म पिट दे, हाथ निकाल बैठो, गलत बोल के कॉन्फिडेंस देख लो, का गधा को एकदम घोड़ा करे, एकदम हाई घोड़े है, हाँ तो सोचा कि वैसे कंफ्यूज कर रहे हैं, जानकारी रहने के बाद अगर बोले वो अलग बात है, जानकारी हिले नहीं ऐसे ही खाली बोल रहा है एकदम सही है, उधर हो गया जो बरसी वाला बात है, क्या है पहली बताओ ना, तीन हो, तीन का दुगुना कितना होता है, छ, छ में से दो कम हुआ कितना हुआ चार, दो कम क्या कहलाता है, काइन होता है, काइन लास्ट में, तीन कार्बन का नाम क्या है, प्रो, प्रोप होता है, हमें क्या जोड़ेंगे काइन, क्या होगा प्रोकाइन, प्रोकाइन प्रोकाइन होता है ना, हुआ तीन कार्बन को प्रो ना कहते हैं, ठीक है अभी देखो ये क्या है, तीन दुना कितना है छ, दुगुना कार्बन है, यहां भी क्या आएगा प्रोप, प्रोप आ गया, इन जोड़ देगा बोल प्रोपीन, अब देखो यहाँ दुगुना से दुगो ज्यादा है, तीन कार्बन का नाम आएगा प्रोप, दुगुना से दुगो ज्यादा क्या जुड़ता है केन, ए एन ई जुड़ता है इंग्लिश में, तो प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन, अब देखो याद करेगा ये, काफी याद किया इसमें, मैं याद करने वाली का बात है, खाली यहां से तुमको देखना था, तो चार कमर का नाम क्या है, ब्यूट, तो ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन, कर दो ब्यूटाइन का सूत्र क्या होगा, हा C4H6 सीखो बैठो सही है, वाई नहीं है ना, अरे याद हुआ कहां से कहां ले गए, हमको ये में चर्चा नहीं।